नमस्कार मित्रों, आज हम BA भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपको श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन की क्यों आवश्यकता हुई, दुर्खिम ने अपने किस पुस्तक में इसका चर्चा की है, दुर्खिम श्रम विभाजन को समाजों के साथ कैसे जोड़ते हैं, यांत्रिक एकता, सव्यवीय एकता, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज मैं आपको यांत्रिक और सव्यवीय एकता के बीच अंतर की बात करूंगा। यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी माध्यम के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि सव्यवीय एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। नंबर 2, यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी भावनाएं एवं विश्वास होते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकारते हैं। सव्यवीय एकता में कार्यों की भिन्नता एवं विशेषीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सव्यवीय एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों से होती है, जबकि सव्यवीय एकता की प्रतीति प्रतिकारी कानूनों से होती है। अगला है, यांत्रिक एकता सामूहिकता पे बल देती है, तो सव्यवीय एकता व्यक्तिकता पे, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सव्यवीय एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पे निर्भर है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संपर्क स्थापित करती है। व्यक्ति अपने विचार एवं कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है, जबकि सव्यवीय एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं, वरन अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अगला है, यांत्रिक एकता व्यक्ति के विकास में बाधक और प्रतिकूल है। इस प्रकार की एकता वाले समाजों में सामान्य भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत विशेषताओं और मौलिकताओं का विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति पर समूह छाया रहता है तथा विषयिकता शून्य हो जाती है। दूसरी ओर सव्यवीय एकता व्यक्ति के विकास में पूर्ण अवसर प्रदान करती है। वहाँ समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगलता नहीं है। दुर्खिम ने बताया कि सव्यवीय एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र होता है जो उसके लिए विशिष्ट है, अर्थात उसका एक व्यक्तित्व होता है। अगली खास अंतर की बात यह है कि दुर्खिम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं, जबकि सव्यवीय एकता की तुलना शरीर से की गई है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है, जो समूह जीवन का आधार होती है। सव्यवीय एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगली खास बात है, यांत्रिक एकता में अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है, जबकि सव्यवीय एकता में अपराध के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ क्राइम। चूंकि यांत्रिक एकता का संबंध सरल आदिम ग्रामीण समाजों से है, जहाँ की प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, धर्म, अंधविश्वास, अतार्किकता का
बहुत ज्यादा बोलबाला है, इसलिए वहां बात बात पे किए गए विपथगामी व्यवहार को अपराध कहा जाता है। जबकि सावे भी समाज में कानून और न्याय का बोलबाला है, संविधान का बोलबाला है, व्यवहारों में एक रूपता का बोलबाला है। इसलिए यहां टाइप्स ऑफ क्राइम कम है, नंबर ऑफ क्राइम्स की चर्चा नहीं की है, टाइप्स ऑफ क्राइम की चर्चा। वहां मंदिर की फेरी नहीं दी तो अपराध, विवाह शादी में ये कार्यक्रम नहीं किया, कर्मकांड नहीं किया तो अपराध। वहां का एक सिस्टम अलग, यहां का सिस्टम अलग। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जबकि सावेवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। यांत्रिक में क्या होगा, समाज, प्रथा, परंपरा, जाति, ये वो के नाम पे अलग अलग भागों में बट जाएगा। यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है, जबकि सावेवी एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है और इसका विशेषीकरण हो जाता है। अगर आपने 51 रुपए दिए तो अलग लाइन, 5,000 रुपए दिए तो अलग लाइन, और 1,00,000 रुपए दिए तो डायरेक्ट दर्शन। यहां अलग सिस्टम, वहां अलग सिस्टम। यांत्रिक एकता प्राचीन सरल एवं आदिम समाजों में पाई जाती है, जबकि सावेवी एकता आधुनिक समाजों का लक्षण है। अगला है, यांत्रिक समाज में भेदभाव नहीं होता, जबकि सावेवी समाज में पर्याप्त विभेदीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट, यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित है, लोग परंपरा के अनुसार अपने दायित्व निर्वहन की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जबकि सावेवी समाज में सुदृढ़ता समझौते या संविधा पर आधारित होता है, समझौते का पालन करना कानूनी दायित्व है। यहां तो क्या हुआ है, आपके बीच में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, जबकि वहां कॉन्टैक्ट नहीं, वहां तो आपके जींस में आ गई वो बात, प्रथा परंपरा रीति रिवाज के माध्यम से जन्म से सीख ली व्यक्ति ने। और अंतिम फर्क है इन दोनों में, यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जबकि सावेवी समाजों में इन दोनों की बाहुल्यता। गांव में तो बस मात्र डॉक्टर का होना ही पर्याप्त है, जबकि शहरों के अंदर डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट, आंख का स्पेशलिस्ट, आंख का सर्जन, हड्डी का सर्जन, हार्ट का सर्जन, यानी यहाँ हर चीज, एक एक चीज का, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग का क्या है, स्पेशलिस्ट है। जबकि वहां सिंपल वैद्य है, वो आपकी सब चीजों का इलाज कर रहा है, लेकिन यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण है। मित्रों, तो इसके साथ ही मैंने ये श्रम विभाजन का पहला खंड पूरा कर दिया। अब मैं कल के मेरे वीडियो में आपसे श्रम विभाजन के कारण और परिणामों की चर्चा करूंगा। पुनः आपसे बार बार यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा करें, आपके नोट्स बनाएं, उनको मुझे दिखाएं, व्हाट्सएप पे आके मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मेरे टेलीफोन पे, अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो टेलीफोन पे भी बात की जा सकती है। दूसरे संजय जी सर हैं अपने कॉलेज में, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करें। और महत्वपूर्ण बात कि अभी कोरोना गया नहीं है, तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करें और अपने व्यक्तित्व को निखारें, नोट्स बनाएं, अपने इस समय का सदुपयोग करें, तब ही बात बनेगी। ऐसे नहीं, बहुत कम लाइक हो रहे हैं अभी मैं देख रहा हूँ वीडियोस, तो अपने और साथियों को जगाएं, कहें कि वो भी वीडियोस देखें, उनकी कोई समस्या है, जिज्ञासा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो वो इनबॉक्स में आके चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।